हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अहसन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान नेवी में रिसेंटली अनाउंस की गई जॉब्स में सिर्फ पीसी के बारे में। एक पुलिस कांस्टेबल, पीसी पुलिस कांस्टेबल, इसकी जॉब क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी जॉब किस तरह की होती है, इनका प्रमोशन किस तरह का है, सैलरी कितनी है और इनकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है, ट्रेनिंग होगी नहीं होगी, इनका एज क्राइटेरिया क्या है, तो ये सारे सवाल आज इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की जॉब क्या है। पुलिस कांस्टेबल बेसिकली पाकिस्तान नेवी में सिक्योरिटी पर्पस के लिए हायर किए जाते हैं। इनका काम ये होता है कि जितने भी पाकिस्तान नेवी के एरिए होते हैं उनकी सिक्योरिटी करना, मींस के ये गेट्स पे भी डिप्लॉय किए जाते हैं, इंटरनल एरियाज में भी होते हैं, बहुत से यूनिटों में ये डिप्लॉय किए जाते हैं। अब इनका प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है, ये प्रमोशन सबसे पहले जब ये पुलिस कांस्टेबल BPS 5 में भर्ती होते हैं, फिर ये हवलदार बनते हैं BPS 9 में, उसके बाद फिर ASI बनते हैं, ASI BPS 11 में होते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर बनता है BPS 14 में, फिर इंस्पेक्टर बनता है BPS 16 में। इनका जो मैक्सिमम प्रमोशन होता है वो BPS 16 तक होता है, 16 से आगे इनका प्रमोशन नहीं होता। तो ये इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर था। इनका यूनिफॉर्म खाकी कलर का होता है, खाकी पेंट होती है, खाकी ही बेल्ट होती है। अब ये यूनिफॉर्म वाले तो हैं, लेकिन ये नेवल जैसे नेवी वाले होते हैं, सेलर हैं या मैरिनर हैं, उनकी तरह इनके अलाउंसेस, इनकी जॉब्स नहीं होती। ये बेसिकली सिविल सेटअप में आते हैं, सिविल पुलिस में काउंट किए जाते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने जेहन नशीन रखनी है कि सेलर, मैरिनर और इनकी जॉब में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। काम तकरीबन ऑलमोस्ट तीनों का सेम ही है, तीनों इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म वाले नहीं होते, सिविल पुलिस है। अब इसके अलावा इनकी सैलरी कितनी होती है, इनिशियल जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो इनकी 25,000-26,000 से स्टार्ट सैलरी होगी। कितनी होगी? 25,000-26,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगी। प्रमोशन का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब इनको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि इन्होंने कराची में ही रहना है। जैसे पूरी कोस्टल पट्टी है, किसी भी जैसे पसनी, ग्वादर, तुर्बत, इन जगहों पर भी इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके अलावा इनको इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, इन प्लेसेस पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये इनका कोई ऐसे स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि इन्होंने एक ही जगह रहना है, इनको हर जगह भेजा जा सकता है। तो ये इसका क्राइटेरिया था। इसके अलावा इनके कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज हो गए, जैसे पुलिस के साथ इनको कुछ टाइम के लिए अटैच कर दिया जाता है, इनके कोई इसके अलावा कोर्सेज नहीं होते। सेफ्टी के कोर्सेज करवाए जाते हैं, फायर फाइटिंग के कोर्सेज होते हैं छोटे मोटे, वो एक इंटरनल मैकेनिज्म है फोर्सों का, उस हिसाब से वो देखते हैं कि किस बंदे को कोर्स करवाना है, किसको नहीं करवाना। तो ये PC की जॉब थी। आई होप सो कि आपको तकरीबन ऑलमोस्ट सारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो चुका होगा PC के बारे में। इसके अलावा अब पाकिस्तान नेवी में जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उनको टेस्ट प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बुक स्कैन करके अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, वहाँ से आप वो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्टली वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, तो उनको भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा PC का टेस्ट इसका सेम लाइक टेस्ट होगा, सिलेक्शन सेंटर पर जाना होगा, वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 75 नंबर का होगा, 30 मिनट का टेस्ट होगा, उसे आपने पास करना होगा, उसके बगैर सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगी। बाकी रह गया हाइट, आई साइट और ये चीज़ें, जब आपका टेस्ट पास हो जाएगा उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आपकी रनिंग और जो प्री रिक्विजिट लवाजमात होंगे वो सारे ही आपको फेस करने पड़ेंगे।